मात्र के लिए भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन क्या है? बैठिए। सबसे पहली कठिनाई यह है कि भव की प्राप्ति के लिए सब पापड़ बेलने के लिए व्यक्ति दिन रात तैयार रहता है, और भगवत प्राप्ति की बात होती तो कहता है सुगम से सुगम साधन कौन है। इसका अर्थ है कि भगवान के प्रति महत्व बुद्धि भव की अपेक्षा बहुत कम है। आप जिस वेश में दिखाई पड़ते हैं उससे लगता है कि घर द्वार छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए यह बानक लिया है, तो करोड़ों जन्म कोटि जन्म लग रगर हमारी बड़ों सम उन्नत रहूं कुमारी, आपको तो इस प्रकार का व्रत लेना चाहिए। लेकिन सुगम से सुगम साधन आप चाहते हैं, परंतु मैं कहता हूं कि भोजन बनाना सुगम है क्या? अन्न का उत्पादन सुगम है क्या? इसका अर्थ यह है कि भव की प्राप्ति के लिए व्यक्ति करोड़ों जन्म न्योछावर करने के लिए उद्यत रहता है, लेकिन भगवत प्राप्ति की जब बात होती है तो संत वेश में व्यक्ति भी कहते हैं सुगम से सुगम साधन क्या है। तो सुगम से सुगम साधन हम बता देते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय में बताया गया जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। जीव के जीवन की सार्थकता जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति में सन्निहित है, लेकिन जीवन यापन के लिए जीविका अपेक्षित है। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। और श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें अध्याय का एक श्लोक अर्थ के सहित हृदयंगम कीजिए, यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थित मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही सर्ग माने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सदोष और विषम सकल अनात्म वस्तुओं से कर्षित होकर उपराम होकर निर्दोष और सम परब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गया। अर्थापत्ति प्रमाण का आलंबन लेकर भगवान ने दो शब्दों के माध्यम से अनात्म प्रपंच का प्रतिपादन किया। जो कुछ अनात्मा है, अनात्मा किसको कहते हैं? जो सदोष और विषम हो, जो सदोष और विषम है वह वर्ण करने योग्य नहीं है, और एकमात्र एक ही तत्व ऐसा है जो निर्दोष और सम है। सुगम से सुगम साधन यही है कि जो कुछ सदोष और विषम है वही अनात्मा प्रपंच है। या जो अनात्मा किसको कहते हैं? जो सदोष और विषम हो, सदोष और विषम कभी भी कमनीय वर्णीय भजनीय नहीं हो सकता। सदोष और विषम जगत का जीवन का आलंबन लेकर निर्दोष और सम परमात्मा के लिए ही जीवन को समर्पित करना चाहिए स्वयं को। सबसे सुगम साधन यह है भगवान से कोई संबंध जोड़िए। संबंध तो है लेकिन उसकी अनुस्मृति चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। संबंध के बाद भगवान के प्रति स्नेह हो, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट परमात्मा हैं, वही प्रेमास्पद स्नेहास्पद हैं। उसके बाद सकामता भी होती है तो उसकी पूर्ति सुगमता से हो जाती है, कहीं निष्कामता हो तो भगवत प्राप्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। तीन साधन, संबंध एक, स्नेह दो, भगवान के लिए ही भगवान का आश्रय लेना। आश्रय भी भगवान, विषय भी भगवान। आश्रय लिया भगवान का, विषय बना लिया भव को, तो आर्त अर्थार्थी भक्त में आश्रय और विषय दोनों भगवान को समझ लिया तो जिज्ञासु भक्त हुए। और न आश्रय भगवान का लिया न भगवान को विषय बनाया, साक्षात प्रत्यगात्मक स्वरूप ही समझ लिया तो भगवान आत्मा हो गए। श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय का सारांश। तो आश्रय भी भगवान का, विषय भी भगवान को बना में। अब यह सुगम है या दुर्गम,
सच्ची बात यह है, महात्म ज्ञान के बल पर महत्व बुद्धि का उदय होता है। भगवान के स्वभाव का, प्रभाव का, स्वरूप का, रूप का श्रवण करते रहना चाहिए सत्पुरुषों के मुखारविंद से। भगवान के प्रभाव का जो वर्णन सुनता है उसके हृदय में भगवान के प्रति ही महत्व बुद्धि का उदय होता है और वह भगवान का आरती अर्थार्थी भक्त हो जाता है। भगवान के स्वभाव का जब परिज्ञान हो जाता है तो भगवान का व्यक्ति जिज्ञासु भक्त हो जाता है। उमा राम स्वभाव यही जाना ताही भजन तज भावना आना। और भगवान के स्वरूप का जब अधिगम होता है तो व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है। दासी कृता गोप वधु बिटेना, भगवान की रूप माधुरी का सकल सुंदरताओं के सन्निवेश से युक्त भगवद विग्रह है। इस प्रकार भगवान की रूप माधुरी का अधिगम होता है तो भगवान के प्रति ही व्यक्ति समर्पित हो जाता है, पंचम पुरुषार्थ का पक्षधर हो जाता है। सुगम भगवान का नाम लें। अच्छा और सुगम बता देते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होए राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। तुलसीदास जी ने सुगम साधन बताया, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेकों जन्म से बिगड़ती आ रही है बात। अगर हमको आपको पूर्व जन्म में ही, इससे पूर्व जो जन्म था उसमें ही कैवल्य मोक्ष सुलभ हो गया होता तो जन्म ही क्यों होता। हमारा आपका जन्म डंके की चोट से इस तथ्य को ख्यापित करता है कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक भगवत प्राप्ति का, कैवल्य मोक्ष का वानक नहीं सधा। अपनी इस दुर्बलता को समझकर बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, पहले पाठ ले लें, आज ही सुधर सकता है। सब बिगड़ी हुई बातों पर पानी फेरने में व्यक्ति समर्थ हो सकता है, अभी इसी समय काम बन सकता है। उपाय क्या है, होए राम का नाम लो, राम जी का होकर राम जी का नाम लीजिए भगवान। और बता दें, तुलसीदास जी ने जमानत ली है, सत्य वचन आधीनता परती मात समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी ने जमानत दे दी। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह में पांच यम में एक ले लिया सत्य, तो नियम जो पांच हैं शौच संतोष तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान को कर्षित कर लिया कि आधीनता हरि गुरु, गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों के अधीन रहे, तीनों का आलंबन लें। देखिए वो व्यक्ति गिर जाता है जो गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों में किसी से दूर हो जाता, एक दूसरे के पूरक हैं, पोषक हैं। जिसको गुरु से परहेज हो, दूरी हो, समझे गिर जाएगा, चले चले में फंस करके विनष्ट हो जाएगा। इसीलिए गुरु गोविंद और ग्रंथ, इनसे संपर्क नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा, आधीनता ईश्वर प्रणिधान, गुरु गोविंद और ग्रंथ का आश्रय लीजिए, सत्य का पालन कीजिए, भगवत प्राप्ति का मार्ग शीघ्र ही प्रशस्त होगा। और कोई प्रश्न?